हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फाइलम एस्थेलमिथीस के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में। अगर हम इनके कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो ये एक्वाटिक हो सकते हैं, ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग और समटाइम्स ये एज अ पैरासाइट भी मिलते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये होता है इनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। ये सिलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी पर सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मेटामेयर्स भी कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें इनमें ये सेगमेंट्स दिखाई दे रही हैं। इस एक सेगमेंट को हम कहते हैं मेटामेयर और इस फिनोमेना को कहते हैं मेटामेरिज्म। नेम एनेलिडा एक लैटिन वर्ड एनेलस से मिला है जिसका मतलब होता है स्मॉल रिंग। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती हैं। ये एक्वेटिक एनेलिडा जैसे कि नेरिस, इनमें लैटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरापोडिया, और वो इन्हें स्विमिंग में मदद करती हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें इनमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं जो कि इन्हें स्विमिंग में मदद करती हैं। इनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और नेफ्रीडिया जिसे हम सिंगुलर में नेफ्रीडियम कहते हैं वो इन्हें मदद करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इनके न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंगलिया प्रेजेंट होते हैं। गैंगलिया, इन्हें हम सिंगुलर में गैंगलियंस कहते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं लैटरल नर्व से टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरिस एक एक्वाटिक फॉर्म है जो कि डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब ये होता है कि इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, बट अर्थ फॉर्म और लीचेस ये मोनोशियस होते हैं और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है। इनके कुछ एग्जांपल है जैसे कि नेरिस फेरेटिमा जिसे हम कॉमनली अर्थ फॉर्म कहते हैं, एंड हिरुडिनेरिया जिन्हें हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। थैंक यू।